प्रस्तुत है रेडियो प्लेबैक इंडिया का साप्ताहिक कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। श्रोता साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है के 50 एपिसोड होने में अब सिर्फ 7 एपिसोड बाकी हैं और इन एपिसोड्स की श्रृंखला को हमने नाम दिया है 7 महारथी। जी हाँ श्रोताओं, और इस लघु श्रृंखला की पहली कड़ी प्रस्तुत है आज मेरे साथ। रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके साथ संज्ञा और मेरे साथ हैं एक मशहूर आवाज, एक दमदार आवाज, एक जानी मानी आवाज और इस शानदार आवाज के मालिक हैं श्रीमान शम्मी नारंग साहब। नाम सुनते ही आपके जेहन में या तो मेट्रो में गूंजती आवाज का ध्यान आया होगा और या फिर दूरदर्शन पर समाचार पढ़ती एक ग्रेट पर्सनैलिटी का। तो चलिए इसी मशहूर आवाज से आज मुलाकात की जाए, शम्मी जी से कुछ बातें की जाए। नमस्कार, स्वागत है शम्मी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार संज्ञा जी, सो नाइस। शम्मी जी, एक समय था जब घर घर में आप आते थे, हर घर का हिस्सा थे, सब आप लोगों को घर का सदस्य जैसा मानने लगे थे और हर दिन न्यूज के पहले सबके मन में होता था आज कौन। ये शायद 1978 से 80 के आसपास की बात होगी और तकरीबन 20 सालों तक दूरदर्शन न्यूज रीडर के रूप में आप रहे। मैंने 82 में प्रवेश किया दूरदर्शन में। अच्छा। और उस वक्त अगर आपको याद हो एशियाड खेल होने थे और एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही थी, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो रहा था टेलीविजन। अच्छा। तो इनको कुछ समाचार वाचकों की जरूरत थी, तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ। वो वाकई बहुत गोल्डन टाइम था कहना चाहिए दूरदर्शन का, जिस समय आपकी एंट्री हुई वहाँ पर। हाँ बहुत, बल्कि उस समय दूरदर्शन में मतलब टेलीविजन पे आपका चेहरा आना ऐसे लगता था जैसे एक साथ आपने कई फिल्में साइन कर ली। अच्छा। कि एक तो राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हो गया था। जी जी, तो ये भी एक वजह थी। वैसे तो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और जी जी, फिर आप कैसे वॉइस आर्टिस्ट की तरफ आप कैसे मुड़ गए, जबकि ये कोई उस समय के लिए बहुत कॉमन फील्ड नहीं थी जैसे कि आज की तारीख में है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप संज्ञा जी। सबसे बड़ी बात ये थी, अब बड़ी हैरत होती है क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग इस विषय को चुनते हैं जी, तो आपका माध्यम अंग्रेजी होता है और आठवीं कक्षा के बाद हिंदी आपसे बिल्कुल छूट जाती है जी। तो आप जानते होंगे कि खासकर दिल्ली में, और अगर वो भी आप एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आठवीं कक्षा तक एक एलिमेंट्री हिंदी बोलते थे उसे, उसकी एक छोटी सी परीक्षा होती थी और कहते थे चलिए अब हिंदी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, अब जो काम होगा अंग्रेजी में होगा जी। सो नेचुरली फिर आप नौवीं कक्षा से लेकर जब तक आपने पूरी तालीम हासिल की तब तक अंग्रेजी माध्यम रहा। पर यह था कि ये भी अच्छा था, हॉस्टल में रहते थे, फिल्में देखना बहुत पसंद था और वो जो नॉर्मल बातचीत होती थी एक सामान्य बातचीत में आप हिंदी का इस्तेमाल करते थे या हिंदुस्तानी का इस्तेमाल करते थे, जो भी एक हिंदी फिल्मों की भाषा होती है, तो मतलब उसमें उर्दू का दखल भी होता था, शुद्ध हिंदी भी होती थी, एक मिश्रण सा होता था दो जुबानों का। तो वो हमारे नॉर्मल सामान्य जिंदगी में तो उसी में बात होती थी, लेकिन क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल से अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और वालिद साहब मेरे फौज में, तो माहौल भी कुछ इस किस्म का था कि मेरे वालिद साहब बहुत अच्छी उर्दू जानते थे। अच्छा। उनका दखल उसमें अच्छा था और मेरे, हम लोग पंजाब से आते हैं तो पंजाब में मतलब वो जो आपस में लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे तो उर्दू में लिखा करते थे, गुरमुखी में भी लिखते थे लेकिन उर्दू हावी थी ज्यादा। अच्छा। और हिंदी दिल्ली में रह के सीख ही थी तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया था। सिलसिला कैसे आना हुआ ये मुख्तसर तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब चौथे वर्ष में था इंजीनियरिंग के, उस वक्त कॉलेज का एक ऑडिटोरियम बन रहा था, एक सभागार बन रहा था, तो
उसमें जो ऑडियो सिस्टम जो स्पीकर इंस्टॉल करने आए थे वो अमेरिकन थे, वो अमेरिका से आए हुए थे और वो यूएसआईएस जो दिल्ली में यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस है उनकी टीम को बुलाया गया था खास करके रिक्वेस्ट करके कि आप हमारे कॉलेज में आइए और बाकी सब तार वार बिछ गई है कि और ये जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं खरीद लिए गए हैं, बड़े बड़े एम्पलीफायर खरीद लिए गए हैं, लेकिन इनका एक नापतोल होता है पूरा जिसे हम लोग एकुस्टिक कैलिब्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में जी। कि आप जब हॉल में स्पीकर लगाते हैं तो उसमें ध्वनि कैसी सुनाई देगी, उसमें ज्यादा टकराव तो नहीं है, गूंज तो नहीं है, इन बातों का ख्याल किया जाता है। तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं और वो आए हुए थे तो जब लगा रहे थे तो एक जीना लगाकर एक सीढ़ी लगाकर एक अमेरिकन ऊपर चढ़े हुए थे तो आप नियति जैसे हम लोग डेस्टिनी कहते हैं या किस्मत कहते हैं, हम लोग कोई 30-40 विद्यार्थी जो थे वो देखने गए, जिज्ञासा थी कि शादी किस तरह से बनता है और क्या है। तो मैं ये 77 की बात है, आई वॉज इन फोर्थ ईयर। ओके। तो जब मैं गया तो अब देखिए नियति क्या होती है, इससे पहले बिल्कुल मालूम नहीं था कि बोलना भी एक प्रोफेशन होता है। वालिद साहब कहा करते थे अमीन सयानी को सुनो, बेलवी डिमेलो को सुनो, तो हम कहते थे क्या यार बोलना ही तो है ना। वही जो एक बेसिकली कॉलेज के दिनों की जो आपकी यू नो एक सोच होती है आपकी। खैर उस अमेरिकन ने मुझे कहा कि हे कैन यू कम ऑन द माइक्रोफोन एंड से समथिंग, कि आप माइक्रोफोन पर आकर कुछ बोल सकते हैं ताकि मैं उस हिसाब से अपने स्पीकर्स को एडजस्ट कर सकूं। अच्छा। अब देखिए मतलब 40 विद्यार्थियों में से वो मतलब मैं सामने आ गया तो मुझे कह दिया। और जब मैंने किस्मत का दरवाजा उस दिन उस वक्त खुला। हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैं इसलिए मतलब आप कहें ना तो पूरे के पूरे मार्क्स उस डेस्टिनी को देता हूँ। जी जी। तो मैं फिर जब मैं माइक्रोफोन पे पहुंचा तो मैंने बोलना शुरू किया। नॉर्मली लोग 1 2 3 हाय ऑडियो हेलो हेलो ऑडियो इस तरह से बोलते हैं ना जी। जी जी। मैंने आराम से बोलना शुरू किया और मैंने कहा चल मेरे जो साथी हैं वो भी मजा लेंगे। मैंने कहा और गौरव बड़ा मजा आ रहा है, तुम हमारे देश में आगे काम कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, हमारे कॉलेज पे जीने पे चढ़े हुए हो, हमारे लिए स्पीकर लगा रहे हो, देखा बेटा हमने भी बदला, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ है ना। तो मैंने कहा चलो इस बहाने मतलब ये तफरी का सबब भी बन जाएगा, हंसेंगे लोग है ना, जैसे कॉलेज में एक आपको एक बेसिक एक्साइटमेंट होती है। तो मैं बहुत आराम और पर मैंने मॉड्यूलेशन जो थी वो इस तरह से बोली जैसे मैं कोई शेर पढ़ रहा हूँ मतलब। तो क्या आपने उससे पहले ना, कभी माइक पे कुछ कभी उससे पहले मेरे को संगीत का शौक था। मैं म्यूजिक कंपोज कर लेता था, ड्रम्स बजा लेता था, थोड़ी बहुत गिटार बजा लेता था, जैसे कॉलेज में एक बैंड बन जाता है। पर ये मतलब गाना तब भी थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन बोलना भी कुछ होता है इस पे कभी तवज्जो नहीं थी। वो जो साहब थे वो अपने जीने से नीचे उतर आए जी। तब उन्होंने कहा कि डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम मैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अच्छा। तो हमने कहा यार ये कमबख्त पागल है, यहाँ पे इसको मेरी बात समझ आ गई है कि मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ और अब ये मेरी शिकायत करेगा। और ये मुझे डांटने के लहजे में कह रहा है कि तुमको नहीं लगता। मैंने फिर अंग्रेजी में उससे कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हैव यू हर्ड योर वॉइस, हैव यू हर्ड योर एम्पलीफाइड वॉइस, जो एम्पलीफाई के माध्यम से गुजर रही है आवाज वो आपने कभी सुनी है? तो मैंने कहा यार इसमें कौन सी कोई लाइक इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, सुनी होगी है ना, और स्पीकर तो तुम्हारे पास है माशाल्लाह, तुम सुन रहे होगे है ना। उसने बोला हम लोग यूएसआईएस से आए हैं और हम चाहते हैं कि कल आप हमें कस्तूरबा गांधी मार्ग पे जो दिल्ली में है वहां पर हमारा एक प्रभाग है जिसको VOA कहते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका कहते हैं, और उधर आके मिलिए। अंग्रेजी में सारी बात हो रही थी तो BBC फिर भी सुना हुआ था लेकिन मैंने VOA कभी नहीं सुना था जी। तो वॉइस ऑफ अमेरिका भी एक मतलब एक प्रसारण सेवा जी। ठीक है। खैर कॉलेज में फोर्थ ईयर में हॉस्टल से हम लोगों ने मैंने बस पकड़ी और मैं इनके ऑफिस पहुंच गया। तो उसमें आधा घंटा लगता था पहुंचने में। सो एनीवे जब पहुंचा तो पहली मर्तबा मैंने संज्ञा जी इतना खूबसूरत स्टूडियो देखा, पहली मर्तबा।
इससे पहले मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा था, बड़े बड़े मिक्सर, टेप रिकॉर्डर्स, ये तमाम चीजें थी। हाँ, एक बारी स्कूल की तरफ से एक ओरिएंटेशन के लिए हम तमाम बच्चों को, जब मैं शायद आठवीं कक्षा में था, तो दूरदर्शन दिखाने ले गए थे, पर वो मतलब उसकी यादें इतना ताजा नहीं थी जहन में, है ना, वो एकदम से दिखाते हैं, तो तब मैंने कुछ देखा था, बड़े बड़े कैमरास, कुछ स्कूल रिकॉर्डर्स, है ना, पर ये एकदम करीब से देखा जाके, अच्छा, तो मिक्सर है, टेप रिकॉर्डर्स पड़े हैं, माइक्रोफोन्स, और सारे गोरे हैं, अमेरिकन खड़े, लेकिन एक उनमें शास्त्री जी जो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उन्होंने कहा, अरे वाह, अच्छा क्या नाम है बेटा आपका, तुमने कहा ये नाम है हमारा, सीधा ही ये इसको बेटा कंट्रोल रूम कहते हैं, कंसोल कहते हैं, और जहां से तुम जाके बोलोगे उसे स्टूडियो फ्लोर कहा जाता है, और तुम्हें दो दरवाजे मिलेंगे, पहले एक दरवाजा खोलोगे, फिर एक वैक्यूम चैम्बर होता है उसको खोलकर दूसरा दरवाजा खोलोगे और अंदर जाओगे। तो साहब मेरे लिए तो मतलब सोचिए ना, ये तो ग्रीक था मेरे लिए तो। खैर, उन्होंने एक पन्ना पकड़ाया तो वो हिंदी में, तो थोड़ा सा किया ब्रॉडकास्टिंग, गोरों से अंग्रेजी में बात हो रही है, तमाम लोगों से अंग्रेजी में बात हो रही है, और ये जो पन्ना पकड़ा दिया गया मुझे, ये हिंदी में है, उसमें हाँ 10-12 पंक्तियां होंगी, ज्यादा लाइनें नहीं थी, हाँ अब ये पढ़ दीजिए। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि मैं मना कर देता हूँ कि साहब इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये तो हो नहीं सकता भाई, वापस तो जाऊंगा नहीं। खैर, मैंने बड़े आराम से, इत्मीनान से इस तरह से शो किया कि मैं जानता हूँ, माइक्रोफोन के आगे खड़ा हुआ, उन्होंने एक आदमी अंदर आया जो टेक्नीशियन होता है, उसने माइक्रोफोन ऊपर नीचे किया, सो उधर से गोरे ने हाथ हिलाया, ओके कम ऑन लेट्स डू, तब ये हेडफोन्स नहीं हुआ करते थे, सिग्नल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से सब कुछ चलता था, तो मैंने कुछ बोलना शुरू किया, तब जो लोग कंट्रोल रूम में खड़े थे, जब मैं बोल रहा था तो उनके तासुरात, उनके आवभाव से पता लग रहा था कि ये बड़े खुश हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं ये लोग। अच्छा, मैंने बोला, अब मुझे वो दरवाजा खोलना भी नहीं आता था, वो जो खैर उनके ही आदमी ने दरवाजे दोनों खोले, मुझे बाहर ले गया। सो वो जो गोरों ने पूछा, सो मिस्टर शास्त्री हाउ यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बॉय, उन्होंने जो अपने एक्सेंट में पूछा, तो उसने मैंने बोला, बेटा माशाल्लाह क्या कंठ पाया तुमने। सो पर एक त्रुटि थी, अब वो मैंने कहा कि बताइए बेटा, आपने प्रतिभा को प्रतिभा कर दिया, हिंदी इतनी खूबसूरत जुबान है कि जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है, अगर आपने छोटी की मात्रा का ख्याल कर लिया होता तो प्रतिभा हो जाता। अब मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था इन छोटी छोटी बारीकियों का, ये सिलसिला चलता गया, पहले एक स्क्रिप्ट पढ़वाई, उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, फिर दूसरी पढ़ाई, जब दूसरी पढ़वाई गई तो फिर उन्होंने, सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन था मेरे लिए वो ये था कि उन्होंने उसके पैसे भी दिए। अच्छा, तो आप सोचिए हॉस्टल में 77 में 77 में कोई आपको 100 रुपए दे दे एक स्क्रिप्ट के, तो 8-10 हजार रुपए के बराबर। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी मेरे हॉस्टल की मेस की जो फी थी वो 100 रुपया महीने की थी। अच्छा, 3 वक्त के खाने की, तो 100 रुपया हॉस्टल में रहने वाले बच्चे को कोई दे दे, बल्कि 200 रुपए दिए। तो इस तरह से ये मेरी सिलसिला शुरू हो गया, फिर वहां से अब ये था कि घर वालों से किस तरह से मतलब इसका खुलासा किया जाए कि साहब मैं ये भी करता हूँ, वो तुम मेरे को कहेंगे पागल हो गए हो तुम भाई, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो ये बस ये शौक पड़ गया, मतलब अब चिंगारी भड़क उठी थी। अच्छा, तो धीरे धीरे, मतलब हम कह सकते हैं कि वो दिन था जब आपने अपनी आवाज की वैल्यू को जाना और अपनी आवाज की क्वालिटी को समझा कि आप इतनी शानदार आवाज के मालिक हैं। हाँ, मैं तो फिर भी शायद इसका इतना विश्लेषण नहीं कर पाया या आकलन नहीं कर पाया, लेकिन वो जो सामने वाले थे वो कर रहे थे। जी जी, खैर बहुत मेहनत की, फिर घर में हिंदी का समाचार पत्र आना शुरू हो गया, हॉस्टल में मंगाना शुरू कर दिया, फिर उसको पढ़ना, और जब भी ये तो होता नहीं था तो नए नए कैसेट प्लेयर्स निकले थे। अच्छा, उसमें रिकॉर्ड करना, और बड़ा सा वो होता था, उसकी कैसेट निकाल के ले जानी और वो शास्त्री जी से कहना कि आज मैंने ये पढ़ाया साहब,
तो खैर वो कहते थे बेटा बहुत अच्छा है, सांस यूं लीजिए, और जो एक छोटी सी एक जो एक आपका ट्रेनिंग होती है। पर मैं बनना परफेक्शनिस्ट चाहता था, तो ये था कि खैर इंजीनियरिंग कर ली, घर वालों से किसी तरह से डिस्क्लोज भी कर दिया, खुलासा कर दिया कि साहब अब मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पागल हो गए, तुम नौकरी वोकरी करो। तो खैर उसके बाद फिर से अपने रुझान को मारते हुए नौकरी एस्कॉर्ट्स में आ गया। अच्छा। जहाँ पर मोटरसाइकिल्स बनती थी, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उसमें फिर मैंने स्टंट राइडिंग सीखी। मेरा पागलपन का कोई मुकाबला नहीं था। जो एक्रोबैट्स जो करतब दिखाते हैं मोटरसाइकिल पे, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने एस्कॉर्ट्स की मोटरसाइकिल ज्वाइन की, वो मोटरसाइकिल जिसे ऋषि कपूर ने बॉबी में चलाया था, उसका क्रेज नया नया आया था। अच्छा। पर कहीं ना कहीं ये माइक्रोफोन बड़ा याद आता था। जो ऑडिशन दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए, वहां से फिर आपको और कुछ काम नहीं रहा? नहीं, वो मेरे कमर्शियल लोगों से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा कि वहां चले जाइए। एक लेडी जो यहाँ आती है, एक महिला आती है, वो विज्ञापनों में भी अपना अपनी आवाज देती हैं, उनसे मिला, उन्होंने दो चार विज्ञापनों में मेरी आवाज का इस्तेमाल किया। अच्छा। जब पर मैं जब सेमिनार्स करता था इंजीनियर्स के सामने, तो हमेशा कहते थे मिस्टर नारंग जब आप बोलते हैं ना मजा बहुत आता है। तो वो और याद दिलाता था मेरे माइक्रोफोन वाली जिंदगी को। अच्छा। फिर उधर से गए तो फिर एक और बड़ी कंपनी में चले गए, बहुत ही बड़ी कंपनी में। पर एक दिन साहब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं फिर 5 दिन जिस कंपनी में गया था उधर 5 दिन हफ्ते में काम होता था। अच्छा। और शनिवार एतवार को छुट्टी होती थी। तो मैं क्या करता था, 5 दिन नौकरी करके और शनिवार की सुबह ये जो प्राइवेट स्टूडियो 2 खुले थे दिल्ली में जो विज्ञापन बनाते थे, उनके पास चला जाता था। अच्छा। और उनमें वो बहुत पसंद करते थे, और कहीं ना कहीं एक कमी सी थी पुरुष स्वर की दिल्ली में विज्ञापनों के लिए। अच्छा। तो थोड़ी सी पॉकेट मनी और बन जाती थी, और क्योंकि मैं पंगा हर जगह लिया करता था, लिखना भी सीख गया था, बोलना भी सीख गया था, म्यूजिक मुझे आता था, किसी ने कहा कि आप हमारा जिंगल कंपोज कर दीजिए, है ना। तो मतलब अच्छा कंपोज करेंगे 100 रुपया, वॉइस ओवर करेंगे 100 रुपया, गाना गा देंगे 100 रुपया। तो करते करते पता लगा कि एक कमर्शियल से आपने 400 रुपये कमा लिया। अच्छा। तो ये सब 80-81 की बात है। फिर आपने कहा 82 में आप दूरदर्शन में आ गए। हाँ, फिर मैंने क्योंकि जब मैं नौकरी में दिन कहा कि साहब मैं दो नामों पर सवार नहीं हो सकता, तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि साहब ऐसे है कि आप पढ़े लिखे भी हैं और कलाकार भी हैं, आप कला की तरफ अपना हाथ आजमा लीजिए, अगर बात नहीं बनती तो वापस आ जाइए, मेरे दरवाजे तो खुले हुए हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा इंसेंटिव था मेरे लिए। जी बिल्कुल, आपकी किस्मत हमेशा साथ देती रही आपका। हाँ, कमर्शियल से एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम हुआ करता था जो गुरबाणी के ऊपर था। अच्छा। सिख धर्म की जो गुरबाणी होती है जी। उसके ऊपर था, वो पहला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो सरकार ने कहा था कि आप इसको प्रायोजित तौर पर आप इसको इसका प्रसारण कर सकते हैं। तो उसमें गुरबाणी सुनाई जाती थी, और उससे पहले उसका बखान होता था कि साहब उस पूरे फिलोसफी को रूपांतरित किया जाता था जिसे मैं बोलता था। तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था, खासकर उत्तर भारत में। अच्छा। क्योंकि वो रेडियो के लिए प्रायोजित था, टीवी ने कहा कि आप टीवी में भी कर सकते हैं। बस टीवी के लिए जब करने की बारी आई, तो प्रोड्यूसर के पास कोई कैमरामैन ही नहीं था दिल्ली में जो टीवी के हिसाब से उसे शूट कर सके। वीडियो तब नया नया आया था। सो अब कैमरामैन भी जो फ्रीलांसिंग दूरदर्शन के लिए करते थे वो ही आए। तो जब उन्होंने कहा कि एंकर आप ही करेंगे इसे। अच्छा। तो जब मैं बोलने लगा तो वही कैमरामैन कहने लगे कि इस तरह से भाई तुम दूरदर्शन में क्यों नहीं कोशिश करते, बोलते भी अच्छा हो। और तो मैंने कहा इतना कॉम्प्लेक्स था कि मेरे लिए दूरदर्शन के जो समाचार वाचक या जो उद्घोषक थे वो ऐसा लगता था जैसे अमिताभ बच्चन और मधुबाला है, मतलब जी। है ना, क्योंकि स्टार्स। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने थ्री व्हीलर के पीछे पढ़ लिया था, अपनी औकात में रहो, मतलब ये तो मेरे तुक्के में काम चल रहा है, मैं कहा और दूरदर्शन कहा, मतलब इस तरह से मतलब मेरी मानसिकता थी।
और उन्होंने कहा यार 20 रुपए का सवाल है, एक प्री ऑर्डर भरो और आ जाओ, मतलब अगर हो गया तो ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह जब मैं पहुंचा तो सबसे पहले आप जानते हैं आपका स्वर परीक्षण होता है आपका, तो आप बोलते कैसे है ना। तो माइक्रोफोन पे गया तो वहां पर संज्ञा जी इस तरह से बुलवा रहे थे जैसे भेड़ बकरियों को बुलाया जाता है। एक मतलब एक कमरे, बड़े से कमरे में, आप तो खुद आपका ताल्लुक रहा है रेडियो से, तो जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज के कमरे होते हैं उसमें चारों तरफ खड़ा कर दिया गया। और मतलब वो बोल रहे हैं अच्छा हाँ जी आपका नाम, नहीं आप नाम नहीं, रोल नंबर दे दिया जाता आपको। और साइकिल स्टाइल्ड होता था उन दिनों में, फोटो कॉपी तो होती नहीं थी, उससे आपका नंबर ले। हाँ तो कहने पहले रोल नंबर बोलिए जी 168 फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 168। हाँ बोलिए। उन्होंने कहा भारत की प्रधानमंत्री, नेक्स्ट अभी भारत की प्रधानमंत्री कहा है। तो आप ये सब होता हुआ देख रहे हैं। जब मेरी बारी आई मैं माइक्रोफोन पे गया तो मैंने कहा ये हश्र मेरे साथ भी होगा, वेरी थैंक यू। तो मैंने बोला कि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो मैं रुक गया कि मेरा, मेरे को निकालेंगे ये तो नेचुरली। अच्छा तो वो फ्लोर मैनेजर ने कहा नहीं नहीं वो कह रहे और पढ़िए। सो जब मैंने पढ़ना तो आप बिलीव कीजिएगा आधा पूरा जो पैराग्राफ था उन्होंने पूरा पढ़वाया वो। अच्छा बड़ी हैरानी हुई। तो उसे बाहर आ गए तो कोई कुछ जवाब नहीं है, सिर्फ आप जिस टाइम आपको वो फॉर्म दिया जाता है उस पर आपका एड्रेस लिख लिया जाता है। 7 दिनों के बाद मुझे खबर आती है कि साहब अब आप मतलब सिलेक्ट हो गए रिटर्न टेस्ट के लिए आ जाइए। अच्छा रिटर्न टेस्ट में आए। हाँ मेरी हैंडराइटिंग माशाल्लाह बहुत ही खराब संगेल की और वो भी हिंदी की। अच्छा तो उन्होंने मैंने क्या मरता क्या ना करता बैठ गया। तो जब मैं पहुंचा उस रिटर्न टेस्ट के लिए मैं 100 लोग मतलब, पर जब वो वॉइस टेस्ट चल रहा था तो भीड़ थी बहुत बुरी तरह, तो शॉर्टलिस्ट कर लिया हो गया वो, तो छटाई हुई होगी तो मतलब उसमें हम भी आ गए। उन्होंने मुझे मालूम नहीं विषय क्या था, शायद वो मौजूद था कि अकाली समस्या या पंजाब की समस्या कुछ इस तरह से था। तो बहुत ही अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ बना के लिख के आए कि हैंडराइटिंग खराब ना लगे। अच्छा उसके बाद घर आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने फिर चिट्ठी आ गई कि अब आप कैमरा ऑडिशन के लिए आ जाइए। तो कैमरा ऑडिशन के टाइम पता लग गया कि ये पूरी जो शॉर्टलिस्टिंग होती आ रही है, छटाई होती आ रही है, यहाँ 25 रह गए हैं। अच्छा और अब आप, पर वो शम्मी नारंग मेरा नाम है तो एस जो अल्फाबेट होता है उस बहुत आखिर में आता जानते हैं। मेरा उन 25 मतलब जो टेस्ट देने आए थे उसमें 24वां नंबर होगा। अच्छा तो मैंने कहा अब तक तो ये जो निर्णायक मंडल है ये पैनल थक गया होगा और ये बस ऐसे अब मेरे से औपचारिकता होगी, मुझे कहेंगे थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इस दौरान मैंने बड़ी खूबसूरत खवातीन जिनको मेकअप करना भी आता था, देखने में भी बड़ी सुंदर सुंदर थी और बड़े अच्छे अच्छे टाई वाई पहन के, और मैं टी शर्ट पहन के एक ऑडिशन देने गया, मुझे बिल्कुल तमीज नहीं थी। क्योंकि हॉस्टल में रहा और मतलब टैटर्ड जीन्स पहनना टी शर्ट्स पहनना इसमें जिंदगी गुजारी हुई थी है ना। और किसी ने मतलब कोई घर बार में कोई होता तो कोई गाइड करता कि भाई कपड़े इस तरह से पहने जाते हैं जी। और मैं चला गया बल्कि फ्लोर मैनेजर ने कहा कि साहब आज तो कम से कम शर्ट और टाई पहनाते। तो मैंने कहा यार हो गया तो ठीक है। एक चीज अच्छी थी कि मैं जब समाचार पत्र पढ़ता था ना तो मैं एडिटर्स संपादकों के बारे में बहुत नॉलेज रखता था कि भाई ये हैं ये हैं। तो पहला सवाल ही उन्होंने मुझसे अंदर से किया कि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं। मैंने कहा जी हाँ पढ़ता हूँ। वो फ्लोर मैनेजर के थ्रू आप उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते जी। पैनल को देख नहीं सकते, पर्दा लगा होता उसमें। उन्होंने पूछा ये बताइए कि अच्छा संपादकों के नाम बताइए, ये बताइए। एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ, मुझसे पढ़ाया गया और तब मैं बाहर निकल आया। अब आप जिस शख्स से आप भी बहुत अच्छी तरह परिचित होंगी, एक शख्स मेरे सामने से निकलते हैं और कहते हैं आखिर में तुमने ही पढ़ा। मैंने कहा जी मैं नहीं पढ़ा। अच्छा पढ़ा और कह के निकल गए। जानते हैं वो कौन थे? वो देवकी नंदन पांडे जी थे। वो पैनल के मेंबर थे। अच्छा तो अच्छा तब भी कोई किक नहीं लगी कि कौन है वो। एक मेकअप रूम से बंदा भागा, अरे यार तुमको तमीज नहीं है, जानते हैं कौन थे ये? मैंने कहा जी मैं तो नहीं जानता।
देवकी नंदन पांडे थे ना, अच्छा अच्छा रेडियो वाले थे हाँ, तो कोई मतलब एक्साइटमेंट हम सब ये इतना ज्यादा था कि मेरा कहाँ होगा मतलब ये ना, तो वो ही एक प्लस पॉइंट था कि भाई घर तो आने देंगे, बस वो करके चले गए। 10 दिन बाद चिट्ठी आ गई कि साहब अब आप ट्रेनिंग के लिए आ जाइए, और उन दिनों में LPT नेशनल होता था और लो पावर ट्रांसमीटर की जो लोकल न्यूज होती थी जी 82 में, तब उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, बस एशिया खत्म हुआ था, अलर्टमेंट था कि अब सर आप कमीज सीख लीजिए कि कपड़े किस तरह से पहने जाते हैं और बस इस तरह से वो सिलसिला शुरू हो गया। तो पहली बार पता चला आपका सिलेक्शन हुआ कि अब आप ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है कि ऑन स्क्रीन आने वाले हैं, तो कितने दिन पहले पता चला और आपको क्या रोमांच रहा, आपने क्या तैयारी की उसके लिए? बस भी कुछ नहीं, बहुत घर वाले खुश हो गए और बस इस तरह से वो जब सिलसिला शुरू हुआ, जब लोगों ने मेरे वालिद साहब को वालिदा को कहना शुरू कर दिया कि भाई वो आपके बेटे को देखा, तब उनको यकीन हुआ कि बेटा ठीक ही काम कर रहा है मतलब। अच्छा संज्ञा जी, मैं यहाँ पर जरूर एक खुलासा करना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी उसे परमानेंट तौर पर नहीं अपनाया दूरदर्शन को। उस जमाने में आपको एक विकल्प दिया जाता, ऑप्शन होती थी आपके पास, या तो आप स्थायी रूप से काम कीजिए या अस्थायी रूप से कीजिए, लेकिन पैनल आपको पार्लियामेंट का ही सिलेक्ट करता था। मैंने कहा नहीं साहब, क्योंकि उस जमाने में कमर्शियल वॉइसिंग मेरी बहुत पॉपुलर हो गई थी जी जी जी, तो इसलिए मैंने फिर नौकरी करना पसंद नहीं किया। मतलब आप कैजुअल की तरह? हाँ, कैजुअल की तरह मैं आता था, पर क्या होता था कि कई बार इतना ज्यादा पढ़ने के लिए दिया जाता था और खासकर फरमाइश आती थी कि साहब आज राज कपूर साहब का इंतकाल हो गया, तो प्रोड्यूसर चाहते कि आप पढ़िए, आज फला घटना या दुर्घटना हो गई है ये आप पढ़िए, तो ये एक अच्छा तमगा मेरे को मिल गया था। अच्छा शम्मी जी, आपने जैसे बताया कि आपकी फरमाइश आती थी, तो आपने राष्ट्र के संदर्भ में बहुत सारे खुशियों के समाचार भी पढ़े होंगे, राष्ट्र की क्षति पर भी हाँ, आपने हाँ, लोगों को पहली खबर बताई होगी, तो आपकी यादों की जुगाली में कोई ऐसा किस्सा? हाँ, सबसे पहले देखिए जो सबसे ये था, जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन जो था, एक तरह से बहुत ही कोई बहुत खुशखबरी नहीं थी सबके लिए, है ना जी, देखा जाए तो एक दुखद घटना थी वो, या अनफॉर्चुनेट कह लीजिए, है ना जी। अब जैसे और यहाँ जब हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को जब गोली लगी जी, तो अनाउंस सलमा जी ने ये किया कि उनको गोली लगी, लेकिन अब याद मतलब सरकारी आधिकारिक तौर पर शाम को मृत्यु के बारे में शाम को घोषणा हुई थी। अच्छा, तो वो मुझसे कहा गया, और राज कपूर साहब का इंतकाल जब हुआ तो मुझे कहा गया, ललित माकन को गोली लगी तो मुझे कहा गया, तो ये जो तमाम चीजें होती थी और मतलब जैसे उपहार ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी, तो ये जो सारी बातें होती थी तो वो एक अच्छा था, और मंत्रालयों से भी कहा जाता था कि आज एक रिपोर्ट बननी है, हमको अच्छा लगेगा अगर शम्मी जी पढ़ें तो। तो ये काफी चीजें जिंदगी के साथ जुड़ती गई, कमर्शियल वर्ल्ड में सिलसिला अच्छा रहा, मुख्तसर तौर पर मतलब 82 में शादी हो गई, है ना शम्मी जी, जब आप न्यूज पढ़ते थे उस समय, जब वो टाइम था मतलब उस समय न्यूज पढ़ी जाती थी टेलीविजन पे देखे, और आज जो न्यूज बताने का सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल चुका है, चाहे फेक एक्सप्रेशन की बात की जाए, चाहे न्यूज प्रेजेंट करने की बात की जाए, जो तरीका तब था और अब था, जो फर्क है वो अब क्या महसूस करते हैं तब में और अब में? मैं अगर एक बहुत ही अच्छा फर्क ये बताता हूँ आपको, मुझे लगता है संज्ञा जी सबसे बड़ी बात ये थी कि एक 14 साल की विद्या रानी अपने दादा के जो 80 साल के उनके साथ बैठ के समाचार देख सकती थी, क्योंकि उस वक्त माँ बाप प्रोत्साहित करते थे और कहते थे कि अगर आपने अपनी जुबान को दुरुस्त करना है, अपनी भाषा में सुधार करना है, तो इन लोगों को सुनिए। और दूसरी बात यह होती थी कि बहुत ही इम्पर्सनल, कोई आपके आवभाव नहीं होते थे, कुछ भी नहीं लगता था कि ये आपकी जाती राय है, नहीं जी, आप एक एंकर हैं, क्या घटा और वो जो घटा वो लोगों तक पहुंचा दिया बस जी। मतलब आपको अपने जज्बात को भी नहीं, कोई अपने ओपिनियन, अपने जज्बात जी, वो मतलब ये नहीं कि मनाही थी, उन्होंने कहा कि एंकरिंग यही होती है जी,
इसीलिए आप अपना ओपिनियन, ताकि आप कौन होते हैं प्रतिक्रिया देने वाले, जी जी, लोगों को देने दीजिए, अगर अच्छा लगा तो ठीक है। शमी जी, तो न्यूज रीडिंग की बातें हुई, आप पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी एक रजिस्टर्ड एंकर हैं, वहाँ का कोई अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे? देखिए, ये जो वीआईपी एंकरिंग्स होती हैं और इस बड़े स्तर पर जो होती हैं, इसमें कोई खास, कोई बहुत क्रिएटिविटी वाली बात नहीं होती। बस ये होता है, आपको एज ए प्रोफेशनल इसलिए लिया जाता है कि जो ब्रीफ या जो स्क्रिप्ट उनकी तरफ से आती है उसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और आपका फिर एक बैकग्राउंड जो होता है जी, आपका किरदार कैसा है, आप पे कोई केस तो नहीं है, है ना जी। वो तमाम उन बातों की जांच पड़ताल करने के बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट किया जाता है मतलब इतनी बड़ी कोई टॉप चीज नहीं होती, उनके डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, या कई बार अगर पीएम किसी मिनिस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये मतलब अधिकार मिनिस्ट्रीज के पास भी होता है कि वो आपको बता देते हैं कि हमने शम्मी नारंग को कर लिया, और वो वहां पर भेज देते हैं जो भी उनका सिक्योरिटी वाले जो होते हैं उनको, एसपीजी, ताकि आपका पास आ जाए। क्योंकि हमारी उसको प्रॉक्सिमिटी पास बोलते हैं, क्योंकि आपको स्टेज पे जाना होता है। जी जी, आप बोल रहे हैं उसकी एक बेसिक मॉड्यूलेशन ठीक हो, उसकी इंट्रोडक्शन ठीक हो, उसमें जो भी शब्दों का इस्तेमाल होना है, जो चयन किया है आपने, वो बहुत अच्छा हो। उधर से एक ब्रीफ भी आ जाता है कि आजकल जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत ज्यादा माननीय इस्तेमाल मत कीजिए, है ना, तो वो तो होते हैं कि ये जो एंकरिंग के स्टाइल्स होते हैं, और उसमें आप अगर उनको लगता है कि भाई हमारे इस एक्सपेक्टेशन से आदमी खड़ा उतर रहा है, तो इसलिए आपको बार बार ये मतलब, अब तो बहुत बहुत सारे, मैं ही नहीं हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, और अब कुछ लोग प्रादेशिक, कुछ रीजनल से भी अब आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो वो मतलब पहले तो दिल्ली से ही ज्यादातर होते थे, अब मतलब ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में अब वहाँ के लोग बहुत अच्छा, वहाँ की कुछ महिलाएं हैं जो चाहे योगी साहब की रैली हो या प्रधानमंत्री की हो, तो ये अब कोई वो इतना वो नहीं है। और फिर ये होता है कि डिपेंड करता है, जैसे कोविड में हम खुद ही कहते थे भाई देखिए अब आप हम 60 से ऊपर हो गए, तो ना ही हमें मतलब बुलाया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि रिस्क वाली बात होती है जी। पर वो एक होता है कि उसमें आप अपनी तरफ से कोई भी लाग लपेट नहीं कर सकते कि मैंने आप अपनी तरफ से कुछ बहुत क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करें, ये नहीं होगा। जो स्क्रिप्ट दी है बस उसको वैसा का वैसा ही पढ़ना होता है। हाँ, स्क्रिप्ट है, और मतलब बहुत जो इंट्रोडक्शन भी होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत करेक्ट होनी चाहिए, मतलब व्याकरण सही हो, उसका उच्चारण सही हो। अच्छा शम्मी जी, जैसे पुराने लोग जो हैं, अब जैसे भी आपने बातों बातों अपनी अपनी उम्र बता दी कि मैं 60 से ऊपर का हो गया हूँ, तो उस समय के लोगों के दिमाग में जो जेहन में छवि है आपकी न्यूज रीडर के रूप में है, जैसे नाम सुनते हैं शम्मी नारंग, तो अच्छा वो न्यूज रीडर जो दूरदर्शन में हुआ करते थे, वैसे ही अगर हम यंग लोगों को, मॉडर्न युग के लोगों को देखें, तो उनके दिमाग में जो इमेज उभरती है वो है वो जो आवाज मेट्रो में गूंजती है। जी हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था जी, ये बड़ा मजेदार चीज है कि जो मतलब आज से 20 साल पहले तक या 15 साल पहले तक हमारा जब तारुफ कराया जाता था तो बहुत आराम से हो जाता था, अरे अच्छा अच्छा दूरदर्शन के न्यूज रीडर है ना जी, और अच्छा अच्छा शमी जी, तो मतलब और किसी ने अगर आपको वेलकम करना है, या मतलब एक जमाना वो भी हमने दौर देखा जब एक पूरा मतलब गेट क्रैश होते थे, लोग मिलना चाहते थे आपसे, मतलब आपको पुलिस एस्कॉर्ट तक मिला करती थी, ये भी हुआ है हमारे साथ, तो वो उसमें फिर बैनर लगते थे, वेलकम शमी नारंग, सलमा सुल्तान, जो भी नाम लगते थे, तो फिर ये दौर धीरे धीरे फेड आउट हुआ, क्योंकि आप पर्दे पर फिर चेहरा आना बंद हो गया, तो पर याद बहुत हमारे दौर के लोगों को जो यादें थी वो तो बहुत ज्यादा थी, फिर बल्कि यहाँ तक हुआ कि वो कंपैरिजन शुरू हो गए, यार आज भी बहुत सारे आपने देखा होगा वायरल होती हैं पोस्ट कि हमारी फोटो लगाई जाएगी और आज के एंकर्स की लगाई जाएगी, कि इनको देखिए और इनको देखिए, है ना। खैर वो हरी का अपना अपना दौर होता है, अब बड़ा मजा आता है, फिर मेट्रो ने एक बार फिर से जिंदा किया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि अब स्कूल्स में जब कोई चीफ गेस्ट बुलाता है या कोई ओरिएंटेशन के लिए बुलाते हैं, बच्चे बात करना चाहते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, तो वहां पर वो जो लिखा होता है बैनर्स के ऊपर, वेलकम मेट्रो अंकल, मतलब ये भी
स्कूल के बच्चे वहां पर अच्छा है ना, या कहेंगे द नॉन मीडिया पर्सनालिटी एंड ए मेट्रो वॉइस. हाँ, वो ज्यादा जो मकबूलियत हासिल हुई वो मेट्रो की वजह से भी हो रही है. मतलब जी, या सिर्फ दिल्ली मेट्रो नहीं, देश में जहाँ भी मेट्रो है वहाँ पे आपकी आवाज होने बिल्कुल जरूरी होती है. हाँ, ये एक एक वो हो गया कि जो मेट्रो पर संस्थाएं काम करती हैं तो वो उनको लगता है कि ये एक सेफ चॉइस है इन्होंने. और फिर ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं जाती, ये मेरी कंपनी ही पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी के पास आता है. अच्छा, मेरी एक बहुत बड़ी जो मेरी जो मेरे अपने स्टूडियोज हैं मेरे, मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो पूरे का पूरा दिल्ली के जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दिल्ली के नहीं मतलब पूरे हिंदुस्तान की मेट्रो के, तो उसमें चाहे मुझे तमिल की वॉइस देनी हो या तेलुगु की देनी हो, कन्नड़ देनी हो, वो भी मेरी कंपनी ही प्रोवाइड करेगी. अच्छा अच्छा, तो वॉइस चले सैंपल चले जाते हैं मेरा और रिन्नी का, तो मेरा और रिन्नी का तो लिख के नाम आ जाता है कि आप हिंदी इंग्लिश तो करेंगे ही, अब आप जो प्रादेशिक भाषा है वो भी हमारा एक वॉइस बैंक है बहुत बड़ा. मेरी जो कंपनी है उसके जो स्टाफ है वो उसको रिकमेंड करता है कि जी तेलुगु के लिए, मराठी के लिए, तो वो हमारे पास पूरा बैंक होता है उन आर्टिस्टों का. तो हमारे श्रोताओं को आप एक बार अपनी आवाज में लाइव बोल के नहीं सुनाएंगे मेट्रो की आवाज? नहीं नहीं श्रोताओं के साथ तो मतलब वो, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि मेट्रो में जरूर जाएं, बल्कि अगर अगर ये कहें कि वो इस कार्यक्रम में तो उसको प्रमाणित करना है कि साहब नहीं हूँ. देखिए अपना एक अंदाज होता है उसका, जैसे मैं बात भी आपसे कर रहा था कि मेट्रो में कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी वाली या कोई मॉड्यूलेशन वाली उतार चढ़ाव वाली बात नहीं होती उसमें. उसमें सिर्फ ये होता है कि एक आपकी जो शुद्धता है आवाज की या उच्चारण की वो बनी रहनी चाहिए, उसका ठहराव होना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि जब मेट्रो ट्रेन चलती है तो उसमें भीड़ की आवाज होती है, पहियों की आवाज होती है, तो जिसे हम लोग अंग्रेजी में एम्बियंट साउंड कहते हैं, जो आसपास की आवाजें होती हैं, तो आपको लोगों तक पहुंचने के लिए उस आवाज को चीरना पड़ता है. और हम ये तो नहीं चाहते कि साहब यात्री की ही एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें पूरी शिद्दत के साथ सुने, ये तो नहीं हो सकता. तो हम चाहेंगे कि हम उस तक पहुंचे. इस वजह से एक पर्टिकुलर स्टाइल, जो एक पर्टिकुलर अंदाज, एक पर्टिकुलर स्टाइल हम लोगों ने अपना लिया था. और वो मतलब जैसे हमने कहा कि अगला स्टेशन जोरबाग है, कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों. अब जाती जिंदगी में तो इस तरह से बात नहीं करते हम जी, बिल्कुल. पर ये फिर ये होता है कि अगला स्टेशन जोरबाग है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, दरवाजे बाईं ओर खोलेंगे. और भी बहुत सारे निर्देश होते हैं जो आपको बोलने पड़ते हैं, हिदायतें आप देते हैं. तो ये जो तमाम बातें होती हैं, प्लस क्या होता है कि जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं उसका उच्चारण सही होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे बच्चे और खासकर स्कूल कॉलेजेस में सही उच्चारण के लिए माँ बाप कहते हैं कि इन लोगों को सुनिए. वो नॉर्मली जो पुराने ब्रॉडकास्टर्स जो होते थे तब माँ बाप कहा करते थे कि समाचार सुनिए. इस वजह से अगर अगर मैंने जोर बाग कहा है तो जो ग का जो नुक्ता है वो पूरा सुनाई देना चाहिए जी. अगर वो बाग है तो बाग नहीं बोलूंगा मैं. अगर मैं लगा कि स्टेशन का नाम INA है तो मैं INA नहीं बोलूंगा, एकदम से नहीं बोलूंगा, अगला स्टेशन INA है. जबकि वो थोड़ा सा अटपटा लगता है जी. पर आप ओवरलैपिंग भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी क्लैरिटी है ना वो पूरी बनी रहनी चाहिए. सो ये इन तमाम बातों का ख्याल. हाँ, जो कमर्शियल्स होते हैं, जो नॉर्मल विज्ञापन होते हैं, उसमें हम बहुत तरह की मॉड्यूलेशंस होती हैं, मतलब आप वो हम फिर आवाज से खेलते हैं, वो हमको पूरा आता है. मतलब आप अगर कोई आध्यात्मिक बात कर रही हैं या एक एक सॉफ्ट नोट्स जिसे कहते हैं, कोमल स्वर जो होता है जी, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन की बात कर रहे हैं जहाँ पर ब्यूटी का सुंदरता से लेना देना है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आज ही लीजिए ये साबुन,
है ना, क्योंकि आप स्कूटर तो बेच नहीं रही हैं जी। तो फिर हम उसको है ना, उसकी सौम्यता को, उसकी खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को, अपनी आवाज से किस तरह से हम उसे पेश करते हैं। अब जैसे मैंने कहा, आपकी सुंदरता का अब नया राज, बिल्कुल खूबसूरत, ये वाले नोट इस्तेमाल करेंगे आप, है ना। फिर अगर आपने मशीन बेचनी है जिसमें एक एक मर्दानगी तो नहीं कहूंगा लेकिन एक हैमरिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि ठोक बजा कर कुछ कहना है ना, तो आप क्या कहेंगे, जी हाँ ये लीजिए आज ही, ये देती है आपको 100 किलोमीटर ब्ला 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 जो भी होता आगे, है ना जी हाँ, इस मशीन को खरीदने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो आप किस तरह से चलते हैं। और फिर एक जैसे नॉर्मल कॉर्पोरेट है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सन 1989 में, ये आपका एक नॉर्मल जो कमेंट्रीज होती है, ये बदलाव आ जाता है, आपके श्रोता बड़ा खुश होंगे। कितनी वेरिएशन होती है, अगर आपने सपोज कीजिए एक स्कीम है कि नॉर्मली उसमें आप कहना चाहते हैं कि जल्दी कीजिए, है ना, तो आप आहा जल्दी कीजिए, ये स्कीम 31 अगस्त तक, देखिए मौका छूट ना जाए, तो आप ये मॉड्यूलेशन में आते हैं। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे विज्ञापन की दुनिया में आके इस मॉड्यूलेशन में भी हम लोग अपना काम करते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो विज्ञापन निर्माता होता है, वो चाहता है सब कुछ मिले एक छत के तले, कि शम्मी नारंग को लिया जाएगा तो ये फायदे हो जाएंगे, वो शम्मी नारंग स्क्रिप्ट को देखेगा। अब आजकल एक जैसे फिर ट्रेंड बदलते हैं, तो आपने कहा कि एक शेर व शायरी हो गई, पहले जमाने में आपको याद होगा वो ददारे ददारे ददारे, इस तरह से मुशायरे हुआ करते थे। तो फिर उसके बाद अंदाज बदल गए, अब अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, अब आप गुलजार साहब वाला जैसे अभी अंदाज आ गया, जिस तरह से मैं संज्ञा से बात कर रहा हूँ, जैसे आपने गजल पढ़ी, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख कर अपना मजार गुजरे, है ना। तो आपने ये वाला एक अंदाज लिया, पहले होता था यूं तेरी रह गुजर से दीवा, इस तरह से मुशायरे हुआ करते थे जी। हाँ बिल्कुल। फिर लोगों ने अपना यूएसपी बनाया, जैसे राहत इंदौरी साहब था, वो चिल्लाते थे, रिपीट करते थे, या बात करने का तरीका बदल गया। तो अगर आप पुराने थिएटर के, जैसे पारसी थिएटर होता था, माइक्रोफोन्स होते नहीं थे, तो उनका चिल्लाना होता था, हाँ, है ना, तो अब ज्यादा नहीं है, अब डायलॉग्स होते थे, और अभी जैसे डायलॉग, हाँ हाँ, तो अब ये सारा जो तमाम टेक्नोलॉजी की वजह से माइक्रोफोन्स इतने अच्छे हैं, इस वजह से अब आपको हायर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी हम जब बच्चों को बोलने के लिए कुछ कहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप अपने गले पर स्ट्रेन मत डालिए, हमारे जो म्यूजिक में जो मध्यम सप्तम होता है उसी पे मिड फ्रिक्वेंसीज में ज्यादा काम कीजिए, उससे जो गले में खरज होती है वो अच्छी बनती है। जैसे आपको मैंने पूछूंगा, संज्ञा जी आप कैसी हैं, है ना, तो मैं एक्साइटमेंट में होके क्या हो, बच्चों की आदत होती है, वो कहेंगे और संज्ञा जी आप कैसी हैं, ये जरूरत नहीं है, अब पर्सपेक्टिव बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत करीब खड़ी हैं बच्चों की। सो ये तमाम बातों का ख्याल रख के आपकी एक तो वॉइस की जो लॉन्गेविटी होती है, टिकाऊपन जो होता है, बहुत दिन तक चलना आपकी आवाज का, तो अभी देखिए ना, आज के जो बच्चे आते हैं मेरे पास कभी रिकॉर्डिंग के लिए, उन्होंने दो पन्ने पढ़े तो फिर पानी पीने चले जाते हैं, है ना जी? जी जी। अब हम लोग 40-40 पेज एक गो में पढ़ लेते हैं, जबकि मतलब एक 60 से ऊपर का इंसान, उसका मुकाबला एक 25 साल के बच्चे से हो रहा है। पर क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, अपने गले का बहुत ख्याल किया हमेशा, तो ये जो सारी तमाम बातों को देखते हुए फिर अगली लाइन इससे पहले आ रही है, वो मॉड्यूलेशन पहले ही बन जाती है हम लोगों की। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा लंबा अनुभव। हाँ, तो वो उसमें ये जो लोग सोचते हैं कि एक खाली न्यूज रीडिंग करी है, तो वो न्यूज रीडिंग के अंदर आपने एक अलग अंदाज बोलने का जो डाला था, सब कहते हैं नहीं नहीं आपके पास आवाज है इसलिए आप ये कह रहे हैं, मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, उच्चारण मॉड्यूलेशन, मैं तो देखिए बहुत बच्चों को मैं सबसे बड़ा एग्जांपल ये देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप 3 बेस्ट वॉइसेस फिल्म इंडस्ट्री से उठा लीजिए, आपके सामने जहन में अमिताभ बच्चन आएंगे, सुरेश ओबेरॉय आएंगे और रजा मुराद आएंगे, है ना,
पर मैं बच्चों से पूछता हूँ, अंग्रेजी में ये पूछता हूँ कि व्हाई एवरी टाइम अमिताभ स्टील्स द शो, है ना, अपनी छाप अमिताभ ही क्यों छोड़ते हैं? आवाज तो माशाल्लाह तीनों की बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर जो कन्विक्शन है, विश्वसनीयता है, जो वो कम वक्त झूठ भी बोलता है तो सच लगता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन, उसकी पंक्चुएशन, कहाँ ठहरना है, कहाँ बोलना है, और फिर शब्दों का चुनाव, शब्दों का चयन जो होता है वो नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपकी शब्दावली होती है उसका खजाना बहुत बड़ा होना चाहिए आपके पास। मैंने संज्ञा जी से बात की, मैंने कहा कि आप कभी घर आइएगा, मतलब वैसे भी संज्ञा जी दिल्ली आई तो जरूर आइएगा, यू मस्ट वेलकम, पर मैंने कहा कि संज्ञा जी आप कभी घर आइएगा, मैं पोस्ट ऑफिस के नजदीक रहता हूँ और वो साकेत के करीब है और गोल मार्केट के पास है। अब मैंने करीब भी कह दिया, नजदीक भी कह दिया, ताकि वो जो बात का उबाऊपन होता है, जो बोरियत होती है, जो मोनोटनी होती है, वो टूट जाती है। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि अपनी वोकैबुलरी को भी उतनी स्ट्रांग रखो, है ना जी। मतलब आपने चार बार ही कहा कि लगभग 5 बजे हमारे साथ ये होगा, अब उसका कोई पर्याय वाक्य ढूंढ लीजिए, तो वो तकरीबन 6 बजे हम मिलेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, जो आपका कनेक्ट है, जो आपका संपर्क है, जो आपका रिश्ता है सुनने वाले के साथ, वो बना होता है। तो ये तमाम बातें आपको तजुर्बे के साथ आती हैं। और पर क्या था, उस जमाने में गुरु भी इस तरह के हुआ करते थे संज्ञा जी, जो आपको टोकते थे कि मुझे याद है मैंने चौथी या पांचवा बुलेटिन पढ़ रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई, तो ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि आपने गलत पढ़ा, बुलाया गया, समझाया गया कि बेटा ये आपने जो प्रांत बोला है वो रीजन होता है, एरिया होता है, इलाका होता है ना जी, और वो जो प्रांत है वो उपरांत से बनाए, इसलिए वो मरणोपरांत होगा, प्रांत नहीं। मतलब एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए डायरेक्टेड में बुलाया गया था। तो गुरु भी होते थे उस वक्त में। पर अब सवाल ये पैदा होता है संज्ञा जी कि आज के बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि आप इतने कॉन्शियस क्यों हैं, अब प्रांत बोल दिया या परांत बोल दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर मुझे लगता है कि पड़ता है, अगर आप कहीं किसी के सामने शुद्ध उच्चारण के साथ, अच्छी मॉड्यूलेशन के साथ बात करते हैं और 10 बच्चों का हुजूम है, उसमें आप अलग से अपनी पहचान बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, ये मेरा बेसिक बैकग्राउंड कि मैंने अपने फन के साथ शादी की हुई है, आपको पहले बता दूं। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछने वाली थी शम्मी जी, कि आपकी आवाज ने आपको क्या नहीं दिया, नाम, पैसा, शोहरत और जीवन संगनी। तो डॉली जी से आपकी शादी? हाँ, जीवन संगनी, मतलब वो तो हाँ, वो वही आवाज, दोनों की आवाज, वो बहुत ज्यादा अच्छी संगीतकार हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, वो हरिहरन, पिनाज मसानी, कविता कृष्णमूर्ति, ये सब गुरु बहन भाई हैं, क्योंकि जो मेरी जीवन संगनी हैं उन्होंने जयदेव जी साहब से संगीत सीखा है। अच्छा। जो मशहूर संगीतकार हुए हैं, अल्लाह तेरो नाम, अभिना चौध छोड़कर, रेशमा और शेरा, है ना, बड़े वो तो बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे ना जी। तो फिर हमारी शादी हो गई और उन्होंने क्योंकि कमर्शियली, क्योंकि वो आध्यात्म की तरफ ज्यादा हो, तो इसलिए वो शब्द, गुरबानी, भजन, तो सॉफ्ट म्यूजिक में रही हमेशा। अच्छा। जिसे लाइट म्यूजिक कहते हैं। हाँ, पर ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान है संगीत का उन्हें जी, तो उनसे तो हम फिर कभी बात करेंगे। हाँ, और हमारी मुलाकात भी इसी वजह से हुई थी। हाँ, तो वो किस्सा भी हम लोग सुनना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, बस एक ऑल इंडिया वोकल कॉम्पिटिशन था, एक अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता जिसे कहते हैं, तो उसमें वो गाने आई थी और उन्होंने पूरे इंडिया में टॉप किया था। आप संचालन, मतलब एक नई नाव बताया जब मैंने, हाँ, तो वो मतलब दूरदर्शन में गया भी नहीं था, 82 में जब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अच्छा। लास्टिंग ट्यूब बहुत बड़ी कंपनी, उसमें मैं काम करता था, तो मैं एंकरिंग कर रहा था, शौक है उसका, तो उसमें बहुत लफाजी काम आती है जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्पिटिटर्स, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जितने भी प्रतियोगी होते हैं, तो इन्होंने मेरी आवाज की तारीफ कर दी, मैंने इनकी आवाज की तारीफ कर दी, क्योंकि ये तो वैसे भी, और
इससे सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने कहा अच्छा आप कभी दिल्ली आए तो ये चंडीगढ़ से थी, तो आप दिल्ली आए तो मुझे मिलिएगा, मैं चंडीगढ़ आया तो जरूर मिलूंगा। बस इस तरह से मुलाकात बढ़ती गई, फिर मिलना जुलना शुरू हो गया, और इस तरह से कोई बंदिश थी नहीं, तो हम लोगों ने शादी कर ली। अच्छा चलिए। और फिर उनको भी पता था कि भाई दोनों ही एक तरह का शौक पालते हैं। लेकिन म्यूजिक का भी शौक मुझे भी था। आपने म्यूजिक कंपोजिंग की है, आपने अपने पूरे प्रोग्राम में दो तीन बार बताया कि मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, मैं गाता हूँ, बीच में जरा सा गुनगुनाया भी। तो हम चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में कंत आपके कुछ गुनगुनाते हुए गीत के साथ हो। मैं वो तो गाता है, बस मतलब ये है कि क्योंकि बेगम गा रही है तो मैं साथ में ऐसे कई बार बैठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ मुझे एक रिदम का बहुत शौक था, मुझे मैं ड्रमर बहुत अच्छा था, मैं म्यूजिक कंपोज कर लेता था, और अब वो उसकी जो म्यूजिक की बारीकियों को और बेहतर करना वो मेरी बेगम कर देती है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत अच्छा संगीत जानती है। गुनगुना के तो हमारे हाँ जी, मैं आपको एक छोटा सा पुराना एक रेट्रो सुना देता हूँ छोटा सा जी। ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है, ये हेमंत कुमार साहब का गाया हुआ है, अच्छा, फिल्म थी ममता। बिल्कुल, हम बिल्कुल इसमें इंतजार कर रहे हैं। जी 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 देवी बीरा रे 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 छुपा लो यूं के मैं प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लादिए की, छुपा लो यूं के मैं प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लादिए की, ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, हे जैसे मंदिर आपको। निशब्द हो गए, हम तो बिल्कुल खो गए थे आपके गाने में, ऐसा लग रहा है। चलिए शमी नहीं, बस पर ये है कि हाँ शौक है। नहीं तो मैं मतलब हर मामले में आपकी वॉइस परफेक्ट रही, हर जगह पे आपको बिल्कुल पलकों पे रखा गया शुरू से लेके आखिर तक, इसलिए शायद आप गायकी हाँ ये बड़ा करम है ऊपर वाले का, ये हमें हाँ जी जी लोगों की मोहब्बत, उनका इखलाक खुलूस जो मेरे साथ जुड़ा, और उनकी मोहब्बत और ऊपर वाले का करम, ये देखिए उसके ईश्वर की कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ये मान के चलिएगा आप। एक एटीट्यूड जो होता है ना जी, मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ और बड़ों को भी कहता हूँ, जिंदगी में जिसका जो भी इंटरेस्ट है अगर उसने थोड़े पंख फैलाए हैं ना, उसे उड़ने का मौका जरूर दीजिए। यू नेवर नो कौन सा फन किसके अंदर छुपा हुआ है ना। मैं आपको आप अब जाते जाते एक चीज और मैं खुलासा करना चाहता हूँ, मुझे लिखने का बहुत शौक है। अच्छा। मैं तो मेरा एक अपना कलाम है, मैं जाते जाते सुनाना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल 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 सुनाइए। हाँ तो मैं ये है कि मैंने यही कहा कि हम संजय जी चाहे आप एक माँ की भूमिका निभा रहे हैं, अपने फादर साहब की भूमिका निभा रहे हैं, हम ये जो बेवजह का जुड़ाव रख लेते हैं ना कि हम दूसरे को कमांड करना शुरू कर देते हैं, गाइड करने की बजाय, है ना, क्या चाहते हैं कि जो हमारे जो बेसिक ख्वाहिशात हैं, जो हमारी हसरतें हैं, हम उनको पूरा अपने बच्चों से कराना चाहते हैं, चाहे उसमें वो इल्म हो या ना हो, उसमें वो मतलब एक पोटेंशियल है, क्षमताएं हैं या नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं। तो मैंने बड़ा खूबसूरत लिखा, और ये बुद्धिज्म की एक थ्योरी भी है, मतलब वो जो आसक्ति है या क्या भी कुछ भी कह लीजिए आप उसमें, है ना। तो मैंने ये लिखा कि अपना किसी ने कहा नहीं, गम से रिश्ता रहा नहीं, ये तभी होता है जब आप बहुत
किसी से जब जुड़ जाते हैं ना तभी आपको प्रॉब्लम शुरू होती है ये वाली. बहुत ज्यादा किसी के बीच में चले जाना है ना. तो ये बेसिक फिलॉसफी मैंने लिखी है कि अपना किसी ने कहा नहीं, गम से रिश्ता रहा नहीं, वजह फासलों की ये नजदीकियां. ये जो हमारे फासले बढ़ जाते हैं ना जब हम बहुत करीब आ जाते हैं किसी के, वजह फासलों की ये नजदीकियां. मिला तो सबसे जुड़ा नहीं. वाह. मिला तो सबसे जुड़ा नहीं. हसरतों को ना मारा कभी. मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि डोंट किल योर डिजायर बट डोंट गेट किल्ड फॉर द डिजायर. अपनी हसरतों को मारो मत लेकिन हसरतों के लिए मरो मत. तो मैंने उसी फिलॉसफी का इस्तेमाल किया. हसरतों को ना मारा कभी, हासिल के लिए मरा नहीं. अपना किसी ने कहा नहीं, गम से रिश्ता रहा नहीं. जरा सा बदल कर देखो नजरिया, जरा सा बदल कर देखो नजरिया, फिर कोई नजारा बुरा नहीं. बहुत सुंदर. जरा सा बदल कर देखो नजरिया, फिर कोई नजारा बुरा नहीं. हाँ इल्म मुझे भी है अच्छे और बुरे का. हाँ इल्म मुझे भी है अच्छे और बुरे का. आदमी हूँ खुदा नहीं. वाह. एक नेचुरल है ये प्रोसेस है. एक इंसान हूँ. बहुत बहुत सुंदर कलाम है ना. तो ये जो मेरी बेसिक फिलॉसफी के साथ मैं जीता हूँ, जिंदगी में सबसे मोहब्बत कीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए. उसकी अपनी फितरत है, उसका अपना किरदार है, उसकी अपनी सोच है. अगर आपको लगता है कि उसको आपकी या मेरी गाइडेंस की जरूरत है तो अगर वो एक कदम एक्सपेक्ट कर रहा है आप दो कदम बढ़ाइए. लेकिन तीन कदम बढ़ाकर अड़चन बन डालिए. मेरी जिंदगी की यही फिलॉसफी है. बहुत बहुत अच्छा संदेश आपने दिया शम्मी जी. और साथ ही आपसे इतनी सारी इतनी अच्छी बातचीत हुई. रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. नहीं नहीं ये मेरी खुशकिस्मती है. मुझे भी अच्छा लगा. रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है कि लघु श्रृंखला सात महारथी की पहली कड़ी में आज हमारे साथ थे जानी मानी मीडिया पर्सनालिटी और मेट्रो की आवाज शम्मी नारंग. सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम. अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक और महारथी के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत संज्ञा को. नमस्कार.